हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक जानकारी। इतना ही हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं पूंछ और पूछ शब्दों में अंतर? दोस्तों, बहुत से बच्चे ना तो इन दोनों शब्दों को लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, और एग्जाम में भी इन दोनों शब्दों में गलतियां कर देते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रपिंडी लगी हुई है, यानी कि ये अनुनासिक है, यानी कि हम इसे पढ़ेंगे पू, यानी कि इसमें हम पू का उच्चारण तो गले से करेंगे और जो चंद्रपिंडी है उसका उच्चारण नाक से करेंगे। तो ये लिखा हुआ है पूंछ और ये लिखा हुआ है पूछ, यानी कि यहाँ पर चंद्रपिंडी नहीं है तो हम इसे पढ़ेंगे पूछ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पूंछ शब्द का क्या अर्थ होता है, उसका प्रयोग हम कब करते हैं। दोस्तों, आपने वो कविता तो सुनी ही होगी, उसमें एक लाइन आती है, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, यानी कि दोस्तों घोड़े की दुम यानी कि घोड़े की पूंछ, यानी कि उसका मतलब घोड़े की पूंछ होता है, यानी कि जानवरों की जो पूंछ होती है उसका मतलब होता है दुम। तो आइए अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सारी लंका जला दी, यानी कि दोस्तों हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सारी की सारी लंका जला दी थी। दोस्तों, आप एक और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि कुत्ते अपने लोगों को देखकर या फिर खुश होकर अपनी दुम को हिलाने लगते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि पूंछ शब्द का क्या अर्थ होता है, उसका प्रयोग हम कब करते हैं। आदर, इज्जत या फिर पूछे जाने की क्रिया, यानी कि दोस्तों पूछ शब्द का मतलब होता है आदर, इज्जत या फिर पूछे जाने की क्रिया। तो आइए अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। समाज में सदा गुणी की पूछ होती है, यानी कि दोस्तों समाज में जो गुणी व्यक्ति होता है उसकी पूछ होती है, यानी कि इज्जत होती है। दोस्तों, आप एक और वाक्य ले सकते हैं कि मैंने शिक्षक से एक प्रश्न पूछा, यानी कि एक बच्चे ने शिक्षक से प्रश्न पूछा। दोस्तों, अब तो